नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सहारनपुर की कुछ खास खबरें हेडलाइंस के साथ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुआ 7 दिवसीय NSS शिविर का समापन। माहीपुरम में धूमधाम से निकाले गए संत श्री रविदास महाराज की शोभा यात्रा। अम्बेटा में PM आवास योजना के बावजूद कच्चे मकान में रह रहे ग्रामीण। हसन कॉलोनी में CCTV में कैद हुई चोरी की घटना। जिला जज सर्वेश कुमार ने बताए लोक अदालत के फायदे। कोतवाली बेट पुलिस ने पकड़े शातिर वाहन चोर। दीक्षांत समारोह में सीनियर को दी गई विदाई। गागलहेड़ी में शोभा यात्रा के दौरान गूंजे संत रविदास के जयकारे। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों पर विस्तार से। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुआ 7 दिवसीय NSS शिविर का समापन। ग्राम चक्रेटी में महाराज सिंह कॉलेज की NSS इकाई द्वारा चल रहा 7 दिवसीय विशेष शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। इससे पूर्व शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, प्राचार्य AK डिमरी, प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. दिनकर मालिक, डॉ. पूनम यादव ने माँ शारदे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। शिविर में मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। इसमें हर तरह से राष्ट्र सेवा का, स्वयं सेवा का, समाज की सेवा का और दूसरों के दुख सुख में खड़े होने का जज्बा, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में पैदा होना, ये बहुत बड़ा, इतना अच्छा प्लेटफार्म है बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए कि मैं तो ये कहूँगा कि इस स्कीम के बारे में बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो। बच्चों के सभी को एक मौका दिया गया है जिससे वो अपनी प्रतिभा जो भी है वो आके मंच पर दिखाएं। आप देख भी रहे हैं कि बच्चे खूब उत्साह से ये सब प्रोग्राम देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सर, ये हमारे MS महाराज सिंह कॉलेज के NSS 2 यूनिट के बच्चे हैं, NSS यूनिट 1 एंड 2। माहीपुरा में धूमधाम से निकाली गई संत श्री रविदास महाराज की शोभा यात्रा। माहीपुरा क्षेत्र से संत श्री रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धार्मिक धुनें व मनमोहक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। माहीपुरा से चलकर शोभा यात्रा गढ़ी मूलक नंबर 1 पर पहुंची, जहां पर भव्य स्वागत किया गया। अम्बेटा में PM आवास योजना के बावजूद कच्चे मकान में रह रहे ग्रामीण। अम्बेटा में सरकार की गरीबों को मकान देने की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्धनों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। अनेक गरीब परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। ऐसे लोगों का आरोप है कि अब पात्र लोग से सुविधा शुल्क लेकर योजना का फायदा उठा रहे हैं। हसन कॉलोनी में CCTV में कैद हुई चोरी की घटना। थाना मंडी क्षेत्र की पुराना कलसिया रोड स्थित हसन कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने रात करीब 3:15 बजे एक मकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। इस दौरान चोरों की सारी हरकत CCTV में कैद हो गई। जिला जज सर्वेश कुमार ने बताए लोक अदालत के फायदे। जिला जज सर्वेश कुमार ने आज लोक अदालत में पहुंचकर इसके फायदे बताए। जिला जज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आज पूरे देश में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का मकसद जल्द से जल्द वादों का निपटारा किया जाना है। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से निर्देश प्राप्त होते हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण साथ में हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसके पदेन जिला जज अध्यक्ष होते हैं, तो उनकी देखरेख में ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। कोतवाली बेहट पुलिस ने पकड़े शातिर वाहन चोर। बेहट कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम उसंड के जंगल स्थित ट्यूबवेल कोठरा से 2 शातिर वाहन चोर मोहित व अरुण को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल, चोरी करने के सामान बरामद किया है। दीक्षांत समारोह में सीनियर को दी गई विदाई। दयानंद इंटर कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जूनियर छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर को भावभीनी विदाई दी। मुख्य अतिथि साहिल सोहार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बोर्ड की परीक्षा में परीक्षार्थी एकाग्रता के साथ परीक्षा देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। गागलहेड़ी में शोभा यात्रा के दौरान गूंजे संत रविदास के जयकारे। गागलहेड़ी क्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 643वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में झांकियों और बैंड बाजों की धार्मिक धुनें वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।